चले आज जानते हैं मंगल के बारे में वो सब कुछ जो आपको जानना चाहिए। तो दोस्तों, इन लोगों को मंगल में दिलचस्पी लेने के पीछे कुछ खास कारण जवाबदार है, जैसे कि वहाँ पर लोहा, निकल और सिलिकॉन की कोई कमी नहीं है। नासा की अगर माने तो उन्हें मंगल पर पानी होने के पुख्ता सबूत भी मिल चुके हैं। माना तो ये भी जाता है कि करोड़ों वर्षों से वीरान पड़ी मंगल की सतह के भीतर कई सारे तरल और ठोस पदार्थ है, जो भविष्य में मानव जात के ऊर्जा स्रोत के रूप में वरदान साबित हो सकते हैं। और कुछ लोगों को ये भी लगता है कि पृथ्वी अब आधुनिक ऊर्जा स्रोतों का साधन नहीं रही। अब इतने बड़े मंगल मिशन के लिए ढेर सारे पैसे चाहिए और पिछले कई सालों से लोगों की स्पेस में जाने की रुचि रही है, और इन सब बातों के चलते मंगल आज हम पृथ्वीवासियों की पहली पसंद बन चुका है। दोस्तों, मानो या ना मानो, लेकिन भविष्य में मंगल पर जाने के लिए रेस लगने वाली है। अरे लगने क्या वाली है, लग गई है। मंगल पर जाने के लिए नासा के पास अब तक 24,29,807 एप्लीकेशंस आए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा यानी 6,76,773 एप्लीकेंट्स अमेरिकन है। दूसरे नंबर पर 2,62,752 दावेदारों के साथ चीन है, और 1,38,899 एप्लीकेशन के साथ तीसरे नंबर पर है, शॉकिंग, हमारा प्यारा भारत देश। यार कितने अमीर हो गए हैं हम लोग। लेकिन अमीर क्यों बोला भाई? क्योंकि बॉस, मंगल पर जाने के लिए टिकट के प्राइस आप जानते हो? तो मंगल यात्रा करने के लिए व्यक्ति डेट टिकट के प्राइस है $10 बिलियन, यानी भारत के पूरे के पूरे 71,72,50,000 रुपए। फिलहाल तो ये सुपर रिच लोगों के लिए ही अफोर्डेबल है। लेकिन आखिर इंसान मंगल पर जाएगा कैसे? तो सुनो, इलॉन मस्क जो स्पेसएक्स कंपनी के मालिक है और आज के समय में वो दुनिया के सबसे इंटेलेक्चुअल इंसान माने जाते हैं, उनका दावा है कि वो आने वाले कुछ सालों में वहाँ ह्यूमन कॉलोनाइजेशन शुरू कर देंगे, और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इस मिशन के चलते अगले 40 सालों में मंगल पर 10 लाख लोगों को बसाया जाएगा। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है? जवाब है जी नहीं, पर नामुमकिन भी नहीं है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी से मंगल की दूरी 54.6 मिलियन किलोमीटर है, और आज के समय में हमें मंगल पर जाने के लिए एक ऑर्डिनरी स्पेसक्राफ्ट में 6 महीने तक का समय लग जाएगा। और क्योंकि फिलहाल हमारे पास रीयूजेबल इंजन वाले स्पेसक्राफ्ट नहीं है, इसलिए अभी एक इंसान को मंगल पर भेजने का खर्च करीब $10 बिलियन तक हो जाता है। पर स्पेसएक्स में बनने वाले नए यान रीयूजेबल होंगे और उसे 20 बार तक यूज किया जाएगा। उनका ईंधन मीथेन होगा, जो मंगल की सतह पर बहुत मात्रा में पाया जाता है, जिस वजह से भविष्य में मंगल का सफर 1.5 से 2.25 लाख डॉलर तक हो सकता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि मंगल के खतरनाक एटमॉस्फेयर में इंसान रहेगा कैसे? फिलहाल वहाँ पर तो ना ऑक्सीजन है और ना ही सूरज को रोकने वाला ओजोन लेयर। पर हाथ लगे सबूतों से नासा ये दावा करता है कि कुछ मिलियन साल पहले मंगल पर जीवन रहा होगा और वो वातावरण भविष्य में बनाया जा सकता है। इस पर इलॉन मस्क का कहना है कि वहाँ कृत्रिम एटमॉस्फेयर वाले छोटे कस्बे बनाए जाएंगे। ये थोड़ा अलग जरूर है, लेकिन इसमें रहने की आदत डाली जा सकती है। उनका ये भी कहना है कि बाद में वहाँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC छोड़ा जाएगा। CFC ग्रीन हाउस के लिए सबसे अहम गैस है, और CFC-12 एक ऐसा गैस है जिसमें गर्मी को कैद करने की ताकत CO2 से 17,400 गुना ज्यादा है। नासा का ये कहना है कि अत्याधुनिक ऊर्जा वाले CFC गैस को मंगल के वातावरण में छोड़ दिया जाएगा। ऐसा करने से वेरियस सब सिस्टम एक दूसरे को शोषित करने लगेगी, और मंगल के क्लाइमेट में चेंज करने का आरंभ करने के लिए इतना पर्याप्त है। मस्क ये भी कहते हैं कि आज मंगल पर बसे हमारे रोबोट्स क्यूरियोसिटी और इनसाइट को हमें अगर कोई संदेश पहुंचाना हो तो 4 से 20 मिनट तक जितना समय लग जाता है, और उतना ही समय संदेश वापस आने में लगता है। पर भविष्य में आधुनिक उपकरणों से इन संदेशों का आदान प्रदान बहुत ही फास्ट गति से होगा। तो चलो हम मान लेते हैं कि वहाँ पानी है, लेकिन खाना कैसे मुहैया होगा? तो इस पर कुछ वैज्ञानिक दावा करते हैं कि टेरा फार्मिंग के जरिए इस बंजर ग्रह को हरा भरा किया जा सकता है और वहाँ लोगों को बसाया जा सकता है। टेरा फार्मिंग एक ऐसी बॉटनिक पद्धति है दोस्तों, जिसके जरिए किसी वीरान ग्रह को जीवन की संभावना वाले ग्रह में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका परीक्षण वैज्ञानिक पृथ्वी की कुछ वीरान जगह है, जैसे के रन, बर्फ और बिन उपजाऊ लैंड पर कर चुके हैं। टेरा फार्मिंग के ऊपर अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप 2015 में बनी फिल्म द मार्टियन देख सकते हैं। अब आखिर में मस्क का कहना है कि मंगल पर जाना किसी खतरे से कम नहीं होगा।
यहाँ वो लोग ही जा सकते हैं जो अपनी मौत के लिए तैयार हो, क्योंकि इस यूनिवर्स एडवेंचर में कुछ भी हो सकता है। अब ये मिशन कितना सफल और कारगर साबित होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, पर इंसानियत का रिकॉर्ड रहा है कि उसने वर्तमान में सोची हुई हर चीज को भविष्य में हकीकत में तब्दील कर दिया है। और फिलहाल वर्तमान में स्पेसएक्स ने हमें मंगल पर जाने का एक सुनहरा सपना दिखाया है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको?